एक ओर जहां केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में गरीबों के उत्थान की बातें करते हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हीं के पार्टी के मंत्री और सांसद उनकी बातों का दरकिनार करते हुए अपनी झूठी शेखी बघारने में लगे हुए हैं। कुछ ऐसा ही हाल रोहतास जिला का है, जहां भाजपा के ही राज्यसभा सांसद का अपने ही अस्पताल में गरीबों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और पैसा नहीं रहने के कारण उनकी इलाज नहीं की जाती है। हालांकि सांसद हर कार्यक्रम में अपने अस्पताल की उपलब्धि गिनाते हुए यह बताते हैं कि यहाँ गरीबों का इलाज मुफ्त में होता है और गरीबों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, लेकिन अगर वास्तविकता की बात करें तो यह सत्य नहीं है। संसद में अपने अस्पताल नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में सबसे अधिक भेदभाव देखने को मिलता है। कुछ ऐसा ही नज़ारा आज भी देखने को मिला, जहां विक्रमगंज अनुमंडल का एक गरीब परिवार अपनी बेटी के इलाज के लिए पहुंचा तो इलाज करने के एवज में मोटी रकम की भी मांग की गई। रोहतास जिला अंतर्गत विक्रमगंज के स्वर्गीय राम प्रवेश राम की पुत्री रोशनी कुमारी को खून की कमी की वजह से हालत बिगड़ गई, जिसको लेकर परिजन बीती रात जमुहार स्थित नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां पर किसी से संपर्क नहीं हो सका। अस्पताल प्रबंधक से लेकर अस्पताल के मालिक राज्यसभा सांसद गोपाल नारायण सिंह से भी संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। हालत बिगड़ती देख मरीज को बीती रात तकरीबन 12 बजे सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां सिविल सर्जन और अस्पताल उपाधीक्षक के सहयोग से लड़की को ब्लड चढ़ाया गया। उसके बाद उन्हें बताया गया कि लड़की के लीवर में काफ़ी पानी भर गया है, उसे नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले जाइए। नारायण मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में जाने की सलाह दी गई। वहाँ जाने के बाद डॉक्टरों ने पहले कोरोना जाँच के लिए 2500 रुपये की मांग किया, उसके बाद कहा कि अगर कोरोना पॉजिटिव निकला तो प्रतिदिन 10,000 के हिसाब से देना होगा। आयुष्मान योजना के तहत भी उसका इलाज नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि उक्त परिवार को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान योजना का भी कार्ड उपलब्ध है, बावजूद इसके नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन गरीब मरीज का इलाज करने के बजाय उनसे पैसे की मांग कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि इन गरीब परिवारों के पास पैसे होते तो यह लोग आयुष्मान योजना कक्षा 8 की बनवाते हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा के सांसद जब जनता को लूटने में लगे हुए हैं तो ऐसे में लोग भाजपा और केंद्र सरकार में बैठे देश के मुखिया नरेंद्र मोदी की बातों पर विश्वास कैसे करें। ये मामला पहली बार नहीं हो रही है, ऐसे मामले बहुत बार देखने को मिले हैं रोहतास जिला के इस अस्पताल की, जहाँ पर मरीजों के साथ भेदभाव करने की बातें सामने आती है। जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते नहीं थकते हैं कि आयुष्मान योजना गरीबों के कल्याण के लिए है, उनके स्वास्थ्य की चिंता करती है सरकार, वहीं दूसरी तरफ इस तरह के घटना और वारदात को भी बीजेपी के नेता के अस्पताल में ऐसी घटना हो तो ये बहुत ही शर्मनाक है। फिलहाल इस परिवार का जो होना है सो होगा, लेकिन अगर ये हाल रहा तो गरीबों को देखने वाली कोई नहीं होगा और ये सरकार ढोल पीटते रहेगी कि गरीबों की मसीहा बनी बैठी। क्या इलाज नहीं हो रहा है आपका? नहीं। क्या बोल रहा है डॉक्टर? बोल रहे हैं नहीं होगा इलाज, जाओ। नहीं होगा इलाज? नहीं। क्या बोल रहा था? बोल रहा था पैसा दो, हम लोग गरीब आदमी हैं, पैसा कहाँ से लाएं? कब से हैं? सुबह से हैं? हाँ सुबह से। क्या नाम है सर? कि सुबह से आए हैं, ना कोई देख रहा है ना इलाज कर रहा है। सिस्टर का बहुत सीरियस पेशेंट है, उसको ब्लड का भी ज़रूरत है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि मेरे पास ना ये ब्लड है ना मैं यहाँ पे इलाज करा सकूँ। आपको इलाज करता मैं नहीं दे सकता यहाँ पे, आप जाइए जहाँ इलाज कराना है कराइए। क्यों नहीं इलाज कर रहे हैं आपका? ये बोल रहे हैं कि इतना पैसा पहले जमा करो, 2500 कोरोना जाँच होगा, टेस्ट होगा, फिर ये जाँच करने के लिए पैसा जमा करो, मतलब 8-10 हज़ार जमा करो तब हम कुछ करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। ये प्राइवेट एथी है, आप जाइए जहाँ कराना है कराइए, जो करना है कीजिए। आपके पास आयुष्मान कार्ड है ना? मेरे पास आयुष्मान कार्ड है, लेकिन इसका कोई एथी नहीं ले रहे हैं। इसका कोई एथी नहीं ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं आयुष्मान कार्ड का एथी नहीं है। क्या नहीं है? इशू नहीं है, पैसा है तो आपके इलाज होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। आप कब से हैं यहाँ? एक सुबह से हैं। डॉक्टर इलाज नहीं कर रहा? नहीं, बाहर भेज दिया। क्या कर रहे? बाहर जाओ, आप जाओ बाहर जाके पटना। मैंने क्या बोल रहा था? कहीं भी इलाज कराओ, मेरे से इलाज नहीं होगा। मैंने पैसा की डिमांड कर रहा था। मतलब पैसा कितना मांग रहा था? मतलब इतना जमा करो, 8,000-10,000 जमा करो, उसके बाद तुम्हारा कुछ जाँच है, वो सब जाँच करेंगे, उसके बाद इलाज करेंगे। आपकी सिस्टर को क्या हुआ? सिस्टर को बहुत सीरियस पेशेंट है,
देखिए वो ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है ना कोई, मैंने क्या 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 दिक्कत है? प्रॉब्लम है लीवर में, प्रॉब्लम है और क्या दिक्कत है? लीवर में प्रॉब्लम है, लीवर में पानी हो चुका है, इमरजेंसी केस है, उसका कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ हम लेके आए थे लेकिन वो बोल रहे हैं कि हम पहले डोनर को देखेंगे कि इतना डोनर है आपके पास, है तो लेके आइए तब हम आपको। तो आपके पास तो आया है ना ब्लड डोनेट करने वाला? तीन डोनर आया लेकिन ये लोग पैसा मांग रहे हैं। हाँ डोनर के बावजूद भी पैसा मांग रहा है, 850 रुपया दो तब ब्लड निकलेगा तब उसके बाद। टोटल कितना रुपया मांग रहे हैं ये? ऐसे तो 8-10 हज़ार रुपया पहले जमा करने के लिए बोल रहे हैं। आयुष्मान कार्ड का कोई वैल्यू नहीं है? नहीं यहाँ पे आयुष्मान कार्ड। कौन सा ये, कहाँ आए थे आप? जमुआर हॉस्पिटल। क्या नाम है? सर बात ये है कि जो लड़की है उसको आयुष्मान कार्ड रहते हुए भी हॉस्पिटल से बाहर कर दिया गया। अगर लड़की का इलाज सही समय पर नहीं होता है और लड़की अगर डेथ कर जाती है तो सर इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं ऐसा है कि जो कार्ड आप कह रहे हैं इसका मतलब है गोल्डन कार्ड, आयुष्मान कार्ड जो, तो आयुष्मान कार्ड जो मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कीम आई है कि गरीब लोग को मिलता है ताकि उसका इलाज किया जा सके। और अगर कोई संस्थान या कोई हॉस्पिटल जो इस कार्ड माने जो इस ये स्कीम से जुड़ा हुआ है जिसमें इसका निबंधन हुआ हुआ है वो अगर वो फैसिलिटी वो कार्ड होल्डर को नहीं देता है तो एक टोल फ्री नंबर है जिस पर कि कंप्लेन किया जाता है, जो कंप्लेन रजिस्टर किया जाता है, रजिस्टर कंप्लेन नंबर भी उसको मिलता है, वो नंबर है 14555 14555। ये फ़ोन नंबर है, ये टोल फ्री नंबर है, इस पर फ़ोन करके वो कंप्लेन लॉज कर सकते हैं। और उसके बाद जो है सो वहाँ से एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे पास भी चिट्ठी आती है और कंसर्न्ड हॉस्पिटल को भी जाती है और उसके अनुसार वो कंप्लेन के अनुसार जो है सो हॉस्पिटल से कारण पूछा जाएगा और उसके बाद उसका निबंधन रद्द किया जाएगा या उस पर कोई और एक्शन लिया जाएगा, ये तो वहाँ से तय किया जाता है। अगर मतलब जैसे कुछ भी कंप्लेन अगर दर्ज किया जाता है मरीज के द्वारा तो आपके द्वारा भी संज्ञान लिया जाएगा उसके? हाँ जरूर लिया जाएगा, मेरे पास अगर डायरेक्ट किया जाता है, हम तो मीडिया बंधु से ही हम सुने हैं ये हमारे संज्ञान में आया है क्योंकि वो पेशेंट हमारे यहाँ भी सदर अस्पताल में भी भर्ती रह के वहाँ ब्लड चढ़ा था, तो इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से इस घटना को जान रहा हूँ कि एक ऐसी बच्ची है जिसको कि ब्लड चढ़ा था और बाद में वो हॉस्पिटल चले गए दूसरे हॉस्पिटल। तो आयुष्मान कार्ड के साथ हमने उनका कार्ड नहीं देखा है लेकिन बस मैं इतना ही जानता हूँ कि अगर कोई कार्ड होल्डर को कोई अगर जो हॉस्पिटल जो उसे में निबंधित है आयुष्मान में अगर उसको डिनाई करता है तो कंप्लेन कर सकता है कार्ड होल्डर, और वो नंबर मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कंप्लेन करने पर जिसका कंप्लेन रजिस्टर होता है कंप्लेन नंबर उसको मिलता है और उसका कंप्लेन का रिड्रेसल होता है।